नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीडी अप्रोच का अगला प्रॉब्लम जो कि है जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइंस। तो जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइंस जो है, यहाँ पर हमको जॉब जो दिए हुए होंगे उनकी सिक्वेंसिंग करनी है सिंगल प्रोसेसर पे और हर जॉब के साथ कुछ डेडलाइन असाइंड है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का अगर हम बेसिक देखें तो प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम में हमको सेट ऑफ जॉब्स दिए हुए होंगे। सेट ऑफ जॉब्स विल बी गिवन टू अस एंड ईच जॉब इज हैविंग सम काइंड ऑफ डेडलाइंस एंड इट इज आल्सो हैविंग प्रॉफिट्स एसोसिएटेड विथ इट। तो हर जॉब का कुछ प्रॉफिट होगा कि अगर वो जॉब हम कर लेते हैं तो वो प्रॉफिट हमको मिलेगा, लेकिन उसका एक डेडलाइन है। डेडलाइन मतलब उस डेडलाइन से पहले उस जॉब को हमें करना होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तभी मिलेगा जब जो ये जॉब है ये की गई है विद इन इट्स डेडलाइन। तो जो कंस्टेंट है वो डेडलाइन का है, इस डेडलाइन के अंदर अगर वो जॉब की गई तो ही हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। एंड फोर्थ पॉइंट अगर हम बोले तो हमको यहाँ पर सिर्फ सिंगल प्रोसेसर मिल रहा है। वी आर ओनली हैविंग सिंगल प्रोसेसर, इसका मतलब है एक यूनिट ऑफ टाइम में सिर्फ एक ही जॉब हम कर सकते हैं, राइट? वी कांट परफॉर्म मल्टीपल जॉब्स इन सिंगल यूनिट टाइम्स, ओके? एंड इसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको जॉब्स इस तरीके से करना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वी कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट व्हाइल डूइंग द जॉब्स। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली ये जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइंस है क्या। लेट्स से वी आर हैविंग सेवरल जॉब्स J1, J2, J3, J4 एंड J5, और प्रॉफिट्स एसोसिएटेड है इन जॉब्स के साथ। तो J1 का प्रॉफिट है लेट्स से 20, J2 का प्रॉफिट है लेट्स से 15, J3 का प्रॉफिट है लेट्स से 10, J4 का प्रॉफिट है लेट्स से 5 और J5 का जो प्रॉफिट है लेट्स से 1। एंड वी आर ऑनली ऑलरेडी हैविंग डेडलाइंस एसोसिएटेड विथ ईच जॉब। तो जो J1 का डेडलाइन है लेट्स से 2, J2 का जो डेडलाइन है 2, J3 का जो डेडलाइन है 1 और J4 का डेडलाइन 3 है, लेट्स से J5 का भी जो डेडलाइन है वो 3 है। नाउ हमको ग्रीडी अप्रोच का यूज करके इन जॉब्स को उन सिक्वेंसेस में करना है ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जो रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि हर यूनिट ऑफ टाइम में सिर्फ एक ही जॉब होगा, तो हमको यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम डेडलाइन कितना है। मैक्सिमम डेडलाइन है 3। मैक्सिमम डेडलाइन अगर 3 है, इसका मतलब ये है कि वी कैन ओनली परफॉर्म 3 जॉब्स आउट ऑफ दिस 5 जॉब्स, वी कैन ओनली परफॉर्म 3 जॉब्स। अब वो 3 जॉब कौन से होंगे जो हम परफॉर्म करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमको जो ग्रीडी अप्रोच है वो ये बोलता है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से स्टार्ट करें। इसका मतलब कि जो डेडलाइन है, मैक्सिमम डेडलाइन J4 का 3 है और J5 का भी मैक्सिमम डेडलाइन 3 है, मतलब इनको तीसरे यूनिट के टाइम में भी किया जाए तो भी ये हो सकते हैं। तो हमको जो डेडलाइन है, मैं डेडलाइन असाइन कर रहा हूँ लेट्स से डेडलाइन 1, डेडलाइन 2 एंड डेडलाइन 3। तो डेडलाइन 3 में हमको या तो J4 कर सकते हैं या J5 कर सकते हैं, कौन सा मैं कर सकता हूँ? तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको दे रहा है वी आर गोइंग टू डू दैट। तो J4 और J5 में मैक्सिमम प्रॉफिट हमको J4 दे रहा है तो आई एम गोइंग टू डू J4, ओके? एंड आई कलेक्टेड प्रॉफिट 5। उसके बाद डेडलाइन 2 में मैं कौन कौन से जॉब्स कर सकता हूँ? आई कैन परफॉर्म J2 एज वेल एज आई कैन परफॉर्म J1 और J5 तो मैं कर ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी डेडलाइन 3 है। 3 है मतलब मैं सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम में भी इसको कर सकता हूँ, पहले में भी कर सकता हूँ और तीसरे में भी कर सकता हूँ। नाउ आउट ऑफ J1, J2, J5, जो कि मैं J2 की जगह कर सकता हूँ, आई हैव टू डू द जॉब विच इज गोइंग टू गिव मी हाइएस्ट प्रॉफिट। तो आउट ऑफ J1, J2 और J5 हाइएस्ट प्रॉफिट जॉब 1 मुझे दे रहा है, तो मैंने J1 को ले लिया और प्रॉफिट कलेक्ट कर लिया है 20। उसके बाद डेडलाइन 1 में मैं कौन कौन से जॉब्स कर सकता हूँ? आई कैन परफॉर्म J3, आई कैन परफॉर्म J2, आई कैन परफॉर्म J5। आप ऐसे समझ सकते हो कि J2 का डेडलाइन 2 है, मतलब मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। J5 का डेडलाइन 3 है, मतलब मैं J5 को यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ भी कर सकता हूँ।
इन द सेंस कि J5 का अगर डेडलाइन 3 है तो उसको 3 या 3 से पहले वाले यूनिट ऑफ टाइम में करना है। जैसे कि J3 का डेडलाइन 1 है, तो J3 का डेडलाइन 1 है तो उसको हम यही कर सकते हैं, ओनली डेडलाइन 1 वाले में, उसको हम डेडलाइन 2 या डेडलाइन 3 में नहीं कर सकते। लेकिन जब मुझे J2 ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है और उसका डेडलाइन 2 है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू परफॉर्म J2, और टोटल प्रॉफिट मुझे यहां से मिल रहा है 15। तो कंप्लीट प्रॉफिट मुझे कितना हो जाएगा, 20 + 20, दैट इज 40। 40 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन गेट, व्हाइल डूइंग जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइंस विद दिस एग्जांपल। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा, काफी इजी प्रॉब्लम है, आप सभी को समझ में आया होगा कि जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइंस क्या है। हमें जॉब्स परफॉर्म करने विद इन असाइंड डेडलाइंस so that we can gain maximum profit. This is the way, this is the greedy approach. What is the greedy approach? Step by step अगर मैं बोलूं, तो सबसे पहले हम सारे jobs को decreasing order of deadline में डाल सकते हैं कि सबसे पहले J4, J5 को लिख लो, फिर J1, J2 को लिख लो, last में J3 को assign कर लो। मतलब जिसका deadline ज्यादा है उसको पहले लिख लो। Now हमको reverse manner में start करना है, ताकि ये greedy approach है, तो आप लास्ट में उस प्रॉब्लम को कर रहे हो डेडलाइन को। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करो इस वाले ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक में आप या तो J4 परफॉर्म कर सकते हो या J5, इन दोनों प्रॉब्लम के अलावा आप कोई जॉब इधर नहीं कर सकते हो। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर डेडलाइन असाइन है। डेडलाइन इस तरीके से असाइन है कि डेडलाइन J4 और J5 की ही 3 है, तो इस ब्लॉक में या तो मैं J4 करूंगा या J5, तो जो बेस्ट प्रॉफिट मुझे देगा वो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने J4 चूज कर लिया, करेक्ट। सिमिलरली आप बोलोगे, सर जब से ज्यादा प्रॉफिट J1 का है, बट J1 को मैं J3 में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका डेडलाइन 2 ही है, मतलब उसको या तो मैं इधर कर सकता हूँ या इधर कर सकता हूँ। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डूइंग जॉब सिक्वेंसिंग विद डेडलाइन। सो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बने रहिए, ताकि हम ऐसे प्रॉब्लम और भी देख सकें और कंप्लीट लेक्चर ऑफ एल्गोरिथम और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आपको यहीं पे मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई भी डाउट या कमेंट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।